हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल कुकिंग सीरीज में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर पर किस प्रकार से आलू पालक मसालेदार बनाया जाता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर, हम आपको बिल्कुल डिफरेंट और आसान तरीके से बताएंगे कि घर पर आलू पालक मसाला किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इंजॉय कीजिए हमारी वीडियो को। पैन चढ़ा दिया है, अब हम 1 से 2 मिनट वेट करेंगे कि पैन अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तब तक दोस्तों, हम एक नज़र डाल लेते हैं कि आलू पालक बनाने के लिए किन किन सामग्री की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आलू पालक बनाने के लिए लगभग हमने 1/2 किलो पालक लिया हुआ है दोस्तों, जिसे हमने अच्छी तरीके से धुलकर इनके पत्तों को तोड़कर रख लिया है। इसी के साथ साथ हमने आलू पालक मसाले के लिए कुछ मसाले लिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लगभग 1/2 छोटा चम्मच जीरा लिया हुआ है, 1/2 छोटा चम्मच हमने राई ली हुई है। इसी के साथ साथ हमने 1 लाल मिर्च लिया हुआ है और कुछ मेथी के दाने लिए हुए हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ 1/2 छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है। इसी के साथ साथ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ साथ 1/2 छोटा चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर भी लिया हुआ है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लगभग 2 स्मॉल साइज टमाटर को काटकर अच्छी तरीके से रख लिया है। इसी के साथ साथ 2 स्मॉल साइज आलूओं को भी हमने मीडियम साइज में काटकर रख लिया है। और तड़के के लिए हमने 8 से 10 लहसुन की कलियों का यूज़ करेंगे और 2 हरे मिर्च का यूज़ करेंगे, जिन्हें हमने काटकर रख लिया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर हम लगभग 1 छोटा कटोरी यहाँ पर हम मटर मिक्स करके इस आलू पालक मसाला को रेडी करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, हमारा पैन गरम हो चुका है। ऑयल बिल्कुल गरम होकर रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो लगभग 1/2 छोटा चम्मच जीरा लिया हुआ था, उसे हमने इसमें ऐड किया। इसी के साथ साथ हमने जो 1/2 छोटा चम्मच राई ली हुई थी, उसे हमने ऐड किया। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो कुछ मेथी के दाने लिए हुए थे और लाल मिर्च लिया हुआ था, उसे भी हमने इसमें ऐड कर दिया दोस्तों। अब इसी के साथ साथ हमने जो 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हुई थी और 2 हरी मिर्च को काट कर रखा हुआ था, उसे हम इसमें मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। अब इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे दोस्तों। तड़का अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो आलू लिए हुए थे, 2 मीडियम साइज आलू को पीसेस कर लिया हुआ था, उसे इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ साथ हमने जो मटर लिया हुआ था, वह मटर भी इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों, हमने जो नमक लिया हुआ था, वह नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ था, उस हल्दी पाउडर को भी इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों। ध्यान रहे, अभी हमें धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं करना है दोस्तों। अब इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसे अब हम ढक कर लगभग 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाएंगे दोस्तों, ताकि आलू अच्छी तरीके से यहाँ पर फ्राई हो जाए और मटर भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और हमें इसे ढककर रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मटर जब फ्राई होंगे तो ये टूटकर हमारे ऊपर ऑयल के छींटे भी आ सकते हैं, जिससे हम जल सकते हैं, इसीलिए इसे हम ढककर रख देते हैं दोस्तों। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है, ये देखिए मटर और आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, जब आप मटर आलू को फ्राई करें ढककर, तो इसे मीडियम फ्लेम में ही रखकर फ्राई कीजिएगा दोस्तों, अदरवाइज आलू यहाँ पर लगभग जल ही जाएंगे दोस्तों। अब हम इसमें जो पालक को बारीक हमने काट लिया था, उसे इसमें ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर पालक ऐड कर दी है दोस्तों, हमने पालक ऐड कर दी है। अब इसे अच्छी तरीके से चला देंगे दोस्तों। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से आलू पालक मसाला बनकर रेडी हो रही है दोस्तों। अब हम इसे फिर से ढककर लगभग दोस्तों
5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रख देंगे ताकि पालक भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाए दोस्तों, और अच्छी तरीके से आलू मसालों के साथ यहाँ पर रेडी हो जाए दोस्तों। और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें हमें टमाटर किस प्रकार से यूज़ करना है दोस्तों, और किस प्रकार से लाल मिर्च और धनिया पाउडर जो हमने बचा कर रखा हुआ था उसे इसमें कब ऐड करना है दोस्तों। तो अब हम इसे ढककर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रख देते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, लगभग 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में हो चुके हैं, और देखिए कितने बढ़िया तरीके से पालक भी अच्छी तरीके से बिल्कुल आलू के साथ मिक्स होकर फ्राई हो गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यह इतनी जल्दी फ्राई होकर इसलिए रेडी हुई है दोस्तों क्योंकि हमने पालक को बिल्कुल बारीक तरीके से कट किया था दोस्तों। तो ध्यान रहे, जब भी आप आलू पालक मसाले की सब्जी बनाएं तो अच्छी तरीके से आप पालक को बिल्कुल बारीक तरीके से काटिएगा दोस्तों। अब हमने यहाँ पर जो 2 मीडियम साइज टमाटर काटे हुए थे दोस्तों, और थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया हुआ था, उसे इसमें इसी पॉइंट पे हमें ऐड करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो हमने धनिया पाउडर और लगभग आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ था उसे भी इसमें ऐड करना है दोस्तों। अब इसी के साथ साथ हमें इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है दोस्तों, पानी। पानी हम इसलिए ऐड करेंगे दोस्तों ताकि ये मसाले अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स हो जाए दोस्तों। अब इसे अच्छी तरीके से चलाना है। ये देखिए दोस्तों, कितना गजब का बिल्कुल फ्लेवर निकल कर आ रहा है, कितने बढ़िया तरीके से बिल्कुल लाजवाब आलू पालक की भाजी यहाँ पर बनकर रेडी हो रही है दोस्तों। अब इसे हम मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट इसी प्रकार से पकाएंगे दोस्तों ताकि टमाटर अच्छी तरीके से घुल जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम यहाँ पर थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे दोस्तों, और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देखते रहिए दोस्तों, कितने बढ़िया तरीके से, कितने लाजवाब तरीके से आलू पालक मसाले की सब्जी यहाँ पर बन रही है दोस्तों। हमारी आलू पालक कितने बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हो गई है दोस्तों। अब हम आपको एक प्लेट में सर्व करके दिखाएंगे कि हमारी आलू पालक किस तरीके से बनकर रेडी हुई है दोस्तों। तरीके से कितने लाजवाब तरीके से आलू पालक बनकर एकदम रेडी हुई है दोस्तों। और यह जो आलू पालक मसाले वाली हमने बनाकर रेडी की है, सेम इसी प्रकार से आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में ऑर्डर करेंगे दोस्तों तो सेम इसी प्रकार से आपको आलू पालक की भाजी मिलेगी दोस्तों। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।